हे गाइज व्हाट्सअप सो आज मैंने मूवी देखी जरा हटके जरा बच के बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई बी रियली ग्लैड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल लेट स्टार्ट सो देखो मैडॉक फिल्म जो है ना वो बहुत ही शातिर लोग हैं वो हमेशा ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसमें नॉर्मल डे कॉमन लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है नॉर्मल फैमिलीज की जो प्रॉब्लम होती है एंड फैमिली प्लस सोशल प्लस इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती है तो वो उस पर अधिकतर फिल्में बनाते हैं so, सो सारा अली खान और विकी कौशल ये दोनों एक कपल हैं, ठीक है ये इंदौर में रहते हैं एमपी में और सारा अली खान एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है और विकी कौशल एक पंडित फैमिली से बिलोंग करता है और सारा अली खान को अपना घर चाहिए शी हैज दिस वेरी स्ट्रांग डिजायर कि उसको अपना खुद का इंडिविजुअल घर चाहिए वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ज्वाइंट फैमिली में वो अपने मम्मी पापा के साथ तो रहता ही है विकी कौशल साथ साथ में उसके उसके मामा मामी भी आके रह रहे हैं सो so, इसलिए घर में काफी प्रॉब्लम्स होती है विकी सारा को ड्राइंग रूम में सोना पड़ता है इसलिए सारा इज वेरी स्टर्बन लाइक शी ओन होम सरकार की एक योजना है जन घर योजना तो इसको सारा अली खान को जब पता होता है कि सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें वो लोगों को घर प्रोवाइड करती है बिना ज्यादा हैसल के सो उसमें वो अप्लाई कर देती है उस योजना का लाभ उठाने के लिए भी आपकी कई कंडीशन होनी चाहिए या तो आप डिवोर्स ही होनी चाहिए या कुछ मतलब आप अकेले होने चाहिए या कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है तब जाके आपको सरकार ये देती है पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही ये आपको देती है उस योजना के तहत घर पाने के लिए ये लोग क्या भसड़ मचाते हैं उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस मूवी की पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में जितने भी एक्टर्स हैं इस फिल्म में सबका परफॉर्मेंस ही बहुत एवन है विकी कौशल की बात करो ही इज सच अ नेचुरल एक्टर ही वॉज अमेजिंग और जितने भी फैमिली वाले लोग हैं आई वॉन्ट टू टेक नेम कनुप्रिया पंडित एज मामी शी वॉज शी वॉज द जान ऑफ द फिल्म वो जैसे पंचेज मार रही थी और मार रही थी इट वॉज सो ऑसम टू सी हर राकेश बेदी जो कि सारा अली खान के डैड बने हैं अरे भाई साहब ही इज प्लेइंग टिपिकल पंजाबी डैडी एंड ही पैग लगा रहे हैं बात बात-बात पे वो बेंचो मार रहे हैं। तो भाई साहब उनको देखना तो बहुत ही औसम था कीरत सूद जो कि मामा बने हैं विकी कौशल उनका भी रोल बहुत ही अच्छा था चारीब हाशमी जो है उनका रोल इमोशनल भी था और एट द सेम टाइम कॉमिकल भी था सृष्टि रिंदानी जो कि विकी कौशल की बचपन की लव इंटरेस्ट बनी है उसका भी काम बहुत औसम था हक जो कि ब्रोकर बने हैं उनका काम भी बहुत औसम था बट आउट ऑफ ऑल देम वन नोटेबल मेंशन हिमांशु कोहली जो कि लॉयर बने हैं सारा अली खान के और विकी कौशल के जो कि उन दोनों का डायवोर्स कराते हैं भाई उस बंदे का जो पूरा गेटअप था वो सलमान खान के तेरे नाम का था और वो बंदा इतना उसने भले उसकी रोल में ओवर एक्टिंग लिखी थी बट उसने बहुत अच्छा काम किया उसने बहुत अच्छा हंसाया ये फिल्म जो है इट स्टार्ट ऑफ एज स्लो इट वॉज लिटिल बिट ड्रैग क्योंकि जो ड्रामा था इट वॉज मोर लाइक कि उनको घर चाहिए तो वो ड्रामा में कोई इतनी भसर नहीं बट एज द मूवी प्रोग्रेसेस ये जो इनका कॉमेडी है द वे पिक अप एंड एवरी सीन स्टार्टेड लाइक इट टेक्स द बिल्डअप इज अराउंड फोर्टी फाइव मिनट के बाद दिस मूवी पिक्स बिकॉज ऑफ दर्फॉर्मेंसोरी है वो भले उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो बट ये फिल्म मस्त मजा देती है इट्स अ कंप्लीटली क्लीन फैमिली एंटरटेनिंग मूवी आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो नेगेटिव की मैं यही बोलूंगा यार की यह फिल्म थोड़ी रो थी भाई सारा अली खान को एक्टिंग नहीं आती है सारा अली खान ने इस फिल्म में इतनी ओवर एक्टिंग की है जम जम के उसने इस फिल्म में ओवर एक्टिंग की है भाई साहब उसको देख के मतलब इतनी गंदी एक्टिंग वो करती है सही बात है <laughs> इतनी गंदी इतनी गंदी एक्टिंग वो करती है भाई उसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी ज्यादा विकी कौशल उसके सामने इतना नेचुरल लग रहा था और सारा अली खान एकदम ही क्या कहूं भाई उसको एक्टिंग नहीं आती और एक सीन है जहां पे इस फिल्म में ना जमझम जम के फाइव स्टार का प्रमोशन किया गया है कैडबरी वालों ने ना इनको लगता है अच्छे खासे पैसे दिए थे को एक सीन है जहां पे सारा अली खान फाइव स्टार मूव में ठूस के रो रही है भाई साहब वो सीन इतना क्रिंजी लगता है आपको सारा अली खान रो रही है पर आप अपने उसको देखोगे ना तो आपको हंसी बैठेगी कि यार ये क्या बेवकूफी कर रही है सारा अली खान मुझे लगता है वो डायरेक्टर से क्वेश्चन नहीं करती है हर फिल्म में शी स्टार्ट डूइंग नॉनसेंस ठीक है उसका कैरेक्टर को हम समझते हैं बट वे रियक्ट हर फिल्म में लाइक लव का आजकल भी वो डायरेक्टर की चोसेस को क्वेश्चन ही नहीं करती है कि यार ये कैरेक्टर ऐसे क्यों कर रहा है जहाँ पे नहीं चिल्लाना होता है वो वहाँ चिल्लाती है हर फिल्म में जहाँ पे नहीं बकवास करनी होती है वो वहाँ पे बकवास करती है जब अब भाई अगर तुम आप फिल्म की एक्ट्रेस हो आपको यू नीड टू हैव सम लॉजिकल सेंस बट उसको जिस तरह के रोल मिलते हैं वो इतनी बेवकूफी उससे डायरेक्टर्स करवाते हैं और वो कुछ क्वेश्चन नहीं करती सारा तुम्हें फिल्म मिल रही है ठीक है बट तुम्हें ऑडियंस का एप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब तुम अपना ही कुछ स्टैंड लोगी तुम हर फिल्म में ऐसी बेवकूफी कर रही हो मुझे समझ नहीं आता यार लाइक तुम्हारे कैरेक्टर्स इतनी बेवकूफी क्यों करते हैं लाइक आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो सब इरिटेटिंग लगता है और लगता है यार ये हर फिल्म में ऐसी ही क्यों करती है ये हर फिल्म में जहां इंटेलिजेंट बनना होता है वहां डम क्यों प्ले करने लगती है वहां चीखने चिल्लाने क्यों लगती है भाई देखो मैडॉक की फिल्म में हमेशा यही सिमिलैरिटी होती है कि भाई एक एक इंदौर की फैमिली होती है एमपी की फैमिली होती है और उनका हमारा भोपाली एक्सेंट होता है हो क्या कह रहे हो साहब क्या कह रहे हो जा रही हो सो so, वो इस फिल्म में कूट कूट के भरा था एंड मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम होती है नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम होती है हाई क्लास रिच अर्बन लोगों की प्रॉब्लम नहीं होती है फुल फैमिली ड्रामा होता है जो ड्रामा होता है उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है एंड आई वांट टू से दैट इस फिल्म को देखते समय आपको यू विल क्लोजली रिमेंबर हिंदी मीडियम क्योंकि उसमें जो भसड़ थी एडमिशन पाने के लिए सो so, यार इस फिल्म को भी देखोगे जब तो हिंदी मीडियम की याद आएगी क्योंकि घर पाने के लिए ये लोगों ने इतनी भसड़ मचाई है मुझे जब मैं गया था इस फिल्म को देखने तो आई हैड लेस एक्सपेक्टेशन आई केम आउट प्रिटी सैटिस्फाइड विद द मूवी सो यार दैट वॉज माई रिव्यू यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट मी सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल लॉट्स ऑफ लव